मध्य प्रदेश के सिरोंज से है, जहां खेत में मवेशी घुसने के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे भी चलाए गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। यह पूरा मामला सिरोंज के दीपना खेड़ा थाने का है। बताया जा रहा है कि खेत में मवेशी घुस जाने के कारण खेत मालिक ने पहले गाली गलौज की और बाद में लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे उनको हाथ पैरों और सर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में जानकारी लेते हुए आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सिरोंज से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। ये दिनांक 2/4/24 को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोलका खेड़ा में लड़ाई झगड़े का एक इवेंट प्राप्त हुआ। तो मौके पर जाकर डायल 100 टीम पहुंची तो घायल जिसको त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल सिरोंज पहुंचाया, और उसके बाद शिकायतकर्ता भैयालाल पुत्र हरि सिंह यादव निवासी ग्राम कुड़का द्वारा थाने पर आकर FIR दर्ज कराई गई कि उसके पुत्र पीड़ित जगवान यादव को उम्र 15 साल को आरोपी दौलत सिलावट, रोहित सिलावट और भूरा और नितेश सिलावट द्वारा खेत में मवेशी घुसने के विवाद पर से माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना दीपना खेड़ा में अपराध 58/24 धारा 294/374 कायम कर विवेचना में लिया गया। उसके बाद त्वरित टीम गठित करके उक्त तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया।